कैसे पता करते हैं
किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, तो तथ्यों को आप स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, और पता करेंगे। इसी कड़ी में तीसरा उदाहरण जो दिया है, हमें एक ऐसा उदाहरण रखना है जिसमें वायुमंडल तो हो दो पदवार, वायुमंडल माने दो पदवार, और जिसकी जो अधिकतम भाग है वो 35 होगी, तो इसके लिए हम कोई भी दो पद नहीं रखेंगे, इसमें एक चर राशि शामिल होगी, और ये कोई भी अचर का पदवार, तो इसके लिए आप एग्जाम से कुछ भी ले सकते हैं। हमें यह वायु पर 35 लिखा, 25, 26 कुछ भी दे सकते हैं, तो ये हमारा तीसरे के पैसे का आंसर होगा। इसी का दूसरा दिया है, एक पद बहुपद लिखना है जिसकी डिग्री या भाग 100 हो, तो इसके लिए अपन उदाहरण करेंगे एक्स रे ने विचार राशि एक्स प्लस होती हो गया। अब ये एक पद ही है, केवल एक ही पद रहेगा, एक बार हमारे दो पद था तो इसमें दो पद रहेंगे, इसमें जो 35 का हर बारह दो पद बना रहा है तो दो पद लिखे, चार दो पद 35 की घात, इसमें एक पद बारह दो पद बनाना था जिसकी घात हमें 100 रखना थी, तो हमने एक्स लिखे, खुद भी चर राशि आप देख सकते हैं, केवल एक ही पद रहेगा और 100 होता है। इस प्रकार हमारा एक तीसरा सवाल भी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सवाल आपको बताएंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।